सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आज आप लोगों को माइग्रेन और उसका आयुर्वेदीय उपचार, यह मैं विषय पर बताने के लिए आया हूँ। आप लोग के आप सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग के पास ऐसे पेशेंट जरूर आते होंगे कि माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है, तो हम लोग को क्या देना चाहिए, मतलब ऐसा फिर विचार आता है। तो हम लोग ना आयुर्वेद के हिसाब से माइग्रेन जो है, सर दर्द है, शिरोशूल है, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। माइग्रेन का जो तकलीफ होता है ना, वो हेडेक एक तरह का होता है। तो आयुर्वेद में इसके 11 टाइप बताए हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले ना इसको ना शिरो रोग के अंडर में लेते हैं। चरकाचार्य जी ने शिरो रोग को 5 टाइप का बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, इस तरह से 5 तरह का बताया है। लेकिन माधव निदानकर 11 टाइप का, 11 टाइप का ये शिरो रोग, शिरशूल, शिरो रोग ये बताते हैं। तो इसमें ऐसा रहता है कि 11 टाइप जो है माधव निदानकर ने जो बोला है वो हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद में अलग अलग कंडीशन में जब शिरशूल होता है, माइग्रेन होता है, तो उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए, किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो शिरशूल जो है वो 11 प्रकार का होता है। माधव निदानकर में ने ऐसा लिखा है कि शिररोगास्तु जायन्ते वात पित्त कफस्त्रिभिः सन्निपातेन रक्तेन शयेन कृमिभिः तथा सूर्यावर्तानंत वाता अर्धावभेदक शंककैः। इतना बढ़िया बताया है, इतना बढ़िया बताया है। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि वात से वात शिरशूल होता है, पित्त के प्रकोप से पित्त शिरशूल होता है, कफ दोष के प्रकोप से कफ शिरशूल होता है, सन्निपात से मतलब तीनों दोषों के प्रकोप से सन्निपात शिरशूल होता है, फिर रक्त शिरशूल होता है, क्षय शिरशूल होता है, कृमि शिरशूल होता है, उसी तरह से सूर्यावर्तक होता है, अनंतवात होता है, अर्धावभेदक होता है और शंखक होता है। तो इसमें से हम लोग कुछ कुछ आज देखेंगे और कुछ दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें ऐसा हेतु बताया है चरक सूत्र स्थान में, शिरशूल क्यों होता है, इसका कारण जो है वो आजकल हर पेशेंट में दिखाई देता है, क्योंकि आप तो वचन है, जो भी ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है वो एकदम 100% सच है। इसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन यही चीजें सब मिलती है, जैसे कि वेगों का विदारण करना, जो मल मूत्र, जिह्वा, छींक, उल्टी, प्यास, भूख, भूख का भी अगर आपने वेग का उदाहरण किया, अगर जैसे सुबह से शाम तक आपने बहुत तेज भूख लगी है और आपने खाना नहीं खाया, तो इससे माइग्रेन का पेन होना बहुत लाजमी है। इसी तरह से मल और मूत्र का आपने वेग धारण किया, अपान वायु का धारण किया, तो अपान वायु प्रतिलोमित होकर सिर में चला जाता है और माइग्रेन का तकलीफ बहुत ज्यादा होने लगता है। इसी तरह से अगर किसी ने पानी, प्यास लगने का जो वेग है उसको धारण किया, उससे फिर बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगता है। उसी तरह से अश्रु वेग अगर रोक के रखे, आंसू आ रहा है, दुख निकाल नहीं रहा, लेकिन उसको रोक के रखे हैं, तो माइग्रेन का तकलीफ होता है। तो वेग विधारण जो है, यह जो 13 अधारणे वेग है, इसको रोकने से माइग्रेन का तकलीफ 100% होता है। ये आप्त वचन है, जब भी आपके पास रोगी आए तो आपको ये चीज जरूर पूछना है कि वेगों का धारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो 100% मिलता है। इसी तरह से दीवा स्वाप करना, जो लोगों को आदत रहती है कि दिन में सो जाना है थोड़ा, तो उन लोगों को माइग्रेन का तकलीफ जरूर रहता है, और ये 100% सच है। दीवा स्वाप करना, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अगर 5 मिनट भी कोई सोता है, 5 मिनट भी, तो वह माइग्रेन का हेतु रहता है। दीवा स्वाप पूरी तरह से वर्ज करना चाहिए। उसी तरह से रात्रि जागरण करना, तो रात में जागना, रात्रि में ऐसा बोला जाता है, मतलब आयुर्वेदीय जो ऋषि मुनि है उन लोगों ने कहा है कि जब पंछी शाम के टाइम पे जब अपने घर लौटने लगते हैं, उसी टाइम पे शाम का टाइम रहता है, उसी टाइम पे सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आजकल का लाइफस्टाइल है ऐसा है कि जब से मोबाइल आ गया है और जियो ने जब 1.5 GB जब से फ्री दे दिया है, तो लोगों को जागरण करने की आदत है, और लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि 10-11 बजे तो लोग खाना वाना खाते हैं और सोते सोते 2-3 बज जाता है। तो रात्रि जागरण करना, यह भी वात प्रकोप का कारण होता है, और इसके वजह से भी माइग्रेन का तकलीफ होता है। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, या फिर आजकल मोबाइल और इंस्टाग्राम, अभी तो टिकटॉक बंद कर दिया चाइनीज ऐप, नहीं तो वो रील्स वगैरह जो देखते रहते हैं, उन सब से क्या होता है, माइग्रेन का तकलीफ बहुत ज्यादा होता है, नींद पूरी हो नहीं पाती है, यहाँ पर भी निद्रा वेग का धारण किया जा रहा है। इसी तरह से जो लोग अति मद्यपान करते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उनको माइग्रेन का तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से जो बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं और अधिक मात्रा में बोलते हैं, अति मात्रा में बोलना, यह भी वायु का प्रकोप का कारण होता है। इसी तरह से प्रातः काल में ओस में घूमना, सुबह ओस पड़ती है तो उस टाइम पे जो लोग घूमते हैं बिना कान को ढके, बिना सिर को ढके,
और वो घूमते हैं तो उनको माइग्रेन का तकलीफ जरूर होता है। इसी तरह से जो लोग अति मैथुन करते हैं, अति मैथुन करने का ये भी हो सकता है कि अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं, या फिर हस्त मैथुन कर रहे हैं, या फिर पॉर्न वीडियोस बहुत ज्यादा देख रहे हैं, शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या वायु का प्रकोप का कारण होता है। अति मैथुन वर्ज्य बोला है, अति मैथुन जो भी चीज है वो सम्यक रूप से होना चाहिए, कोई भी चीज है ना एकदम प्राकृत रूप से होना चाहिए, विकृत रूप से मिथ्या और अतियोग तो होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से असात्मक गंध का सेवन करना, जो बहुत ज्यादा बदबूदार पदार्थ है या कुछ केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर ऐसे जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, कचरा गाड़ी है, या कचरा गाड़ी का वो बहुत ज्यादा गंदा स्मेल सूंघ लेते हैं, उनको माइग्रेन का तकलीफ जरूर हो जाता है। उसी तरह से जो लोग धुआं में काम करना पड़ता है, भट्टी में काम करना पड़ता है, उन लोगों को माइग्रेन का तकलीफ होता है, या जहाँ पे धूल वगैरह बहुत ज्यादा उड़ता है, मतलब जहाँ पे क्रश सैंड वगैरह बनता है और वहाँ पे नाक वगैरह ढकने के बाद भी वो बहुत ज्यादा वो धुआं धूल का सेवन हो रहा है, वहाँ के लोगों को जरूर माइग्रेन का तकलीफ हो जाता है। इसी तरह से जो लोग धूप में काम करते हैं, बहुत ज्यादा धूप में दोपहर में काम करना पड़ता है, बिना सिर ढके काम करते हैं, उनको माइग्रेन का तकलीफ जरूर हो जाता है। जो लोग गुरु पदार्थ खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, जो लोग खट्टे पदार्थ खाते हैं, बहुत ज्यादा विनेगर का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा अम्लीय पदार्थ बहुत खाते हैं, टोमेटो सॉस बहुत ज्यादा खाते हैं, जैम जेली वगैरह खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जो पित्त बढ़ाता है, उन लोगों को माइग्रेन का तकलीफ जरूर हो जाता है। या मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने जो आचार्य हैं उनकी बात को ही दोहरा रहा हूँ कि हमें अपने पेशेंट में यह जरूर पूछना चाहिए। उसी तरह से जो लोग साग सब्जी बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज्यादा जो लोग खाते हैं, उनको माइग्रेन का तकलीफ जरूर होता है, क्योंकि शाक वर्ग के जितने भी द्रव्य हैं, मेथी हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया और सोया हो गया, जो भी पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं उनको माइग्रेन का तकलीफ होता है, और यह एलोपैथी साइंस के एक ऑपोजिट है। एलोपैथी साइंस बोलता है, और इसी तरह से नेचुरोपैथी भी बोलता है कि आप लोग रफेज खाइए बहुत ज्यादा। तो रफेज ये सब जो है कॉन्सेप्ट है, ये लंदन और यूरोपीय कंट्री के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ लोग मांसाहारी सेवन करते हैं और वह अलग मतलब शीत प्रदेशीय शीत कटिबंधीय प्रदेश में है। भारत के हिसाब से शाक वर्ग के सेवन वर्ज्य बोला है, नहीं खाना है इसको, कभी तो भी खा लिया तो ठीक है, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो लोग ज़्यादा खाते हैं, साग सब्जी बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को माइग्रेन का तकलीफ होता है, आयुर्वेद पूरी तरह से मना करता है। उसी तरह से जो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी कोला पीते हैं, या ठंडा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो उन लोगों, या आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको माइग्रेन का तकलीफ होता है। एक तो ये अग्निमंद भी करता है और ऊपर से वायु का प्रकोप भी करता है। तो ठंडा पानी पीना, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर पीना, तो यह भी माइग्रेन। और आप लोगों को मालूम है कि जो लोग एसी में कंटिन्यू रहते हैं उनको सर्दी जुकाम वगैरह बहुत होता है और माइग्रेन का तकलीफ ज़्यादा रहता है। एसी का भी कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं उसका इफेक्ट बॉडी पर जरूर नुकसान देता है। एक टाइम तक ठीक है एसी का आप लोग सेवन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाहर अतियोग जो हो जाता है एसी का, उसका दुष्परिणाम होता है कि माइग्रेन का तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से सिर प्रदेश में आघात होना, सिर में चोट लगना, यह भी माइग्रेन का एक हेतु है। इंजुरी किसी भी तरह से हो सकती है, किसी को बार बार बॉक्सिंग के रूप से हो रही है, या फिर किसी ने लाठी चार्ज में मार खा लिया, या फिर किसी ने किसी तरह से सर में चोट लगना, यह भी माइग्रेन का एक हेतु रहता है। इससे वायु का प्रकोप होके सर दर्द जो रहता है, आधा सर जो है वो दर्द होने लगता है, ऐसे इसको एक और नाम दिया है माधव निदान कर ने, अर्धावभेदक। लेकिन यह किसी भी तरह का शिराशूल हो उसमें यह सिर में चोट लगना यह जरूर हो जाता है। इसी तरह से जो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, रोने वाले लोगों को बहुत ज्यादा, जो पहले के जमाने में, आजकल की लड़कियां तो बहुत बोल्ड है, पहले के जमाने में हर छोटी बात पे लड़कियों को रोना आ जाता था, या फिर जो टीवी सीरियल में काम करते हैं, जो मूवीज में काम करते हो, जिनका बहुत ज्यादा सैड ऐसे सीन रहते हैं, जो रोने धोने का काम करना पड़ता है, कृत्रिम रूप से रोना, वेगान धारित न उदीरित, जबरदस्ती उदीरण करना वेगों को, यह भी शिराशूल का एक कारण हो जाता है। इसी तरह से अश्रु वेग का भी धारण करना, आंसू आ रहे हैं उसको रोक के रखे, मन में कोई ना कोई दुख रोक कर रहे हैं और वेग को, आंसू को बहने नहीं दिया जा रहा, वह भी शिराशूल माइग्रेन का एक हेतु रहता है। इसी तरह से नित्य निचले एक तरफ से देखते रहना, नीचे ही देखना, ऊपर नहीं देखना, यह भी एक माइग्रेन का शिराशूल का कारण हो सकता है। इसी तरह से स्विमिंग कर रहे हैं या पानी में बहुत देर तक रह रहे हैं, अति प्रमाण में स्विमिंग कर रहे हैं या पानी में रहना, यह भी एक शिराशूल का प्रधान कारण होता है।
इसी तरह से ये माइग्रेन का तकलीफ जो है, जब दोषों का प्रकोप हो जाता है अंदर ही अंदर, तो जब बादल आ जाते हैं तब यह ज्यादा वेग से बढ़ जाता है। इसी तरह से किसी देश या काल का विपर्यय होना, किसी ने कोई ना, जैसे राजस्थान में रहने वाला इंसान है और वह अचानक ही कन्याकुमारी में रहने चला जाए, तो पानी भी चेंज हो जाएगा, वेदर भी चेंज हो जाएगा और उसकी बॉडी को साथ में नहीं होगा, तो वह जो बचपन में रेगिस्तान में रहे और वो कन्याकुमारी में चले जाए, शार्य प्रदेश में चला जाए, या फिर वो कन्याकुमारी में रहने वाला वहाँ पे दिल्ली साइड में चला जाए, खान पान भी बदलेगा, मौसम भी बदले, तो देश का विपर्यय होना, काल का विपर्यय होना, अगर बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना या फिर ठंडी पड़ना, ये जो काल का विपर्यय होता है, विपर्यय का मतलब है कि बदल जाना, इसके वजह से भी शरीर पे दुष्परिणाम होता है और उसके वजह से माइग्रेन का तकलीफ बढ़ जाता है। इसी तरह से जो लोग अभ्यंग नहीं करते हैं या फिर जो लोग अंग मर्दन भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसको नित्य बोला है कि नित्य कर्म में इसको बोला है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए अभ्यंग अभ्यंगम आचरण नित्यम स जराश्रम वाता, ऐसे बोला है। जो लोग अभ्यंग नहीं कराते हैं, तेल नहीं लगवाते हैं, नस्य नहीं लेते हैं, सिर पर तेल नहीं डालते हैं, उनके बॉडी में रुक्षता बढ़ के और यह माइग्रेन का तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाता है। और किसी भी कारण से मनस्ताप हो जाना, किसी को कोई बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे और उसने कुछ बात बोल दिया, कोई किसी को बहुत प्यार करते और किसी ने कुछ बात बोल दिया और वह मन पे चुभ गया कोई बात, तो मनस्ताप जो हो जाता है, संस्ताप, मन संक्षुब्ध होके, इरिटेशन होके, और यह मन में कोई बात खाई जाती है और उसकी वजह से माइग्रेन होता है, सर दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। यह बहुत सारे कारण है। और क्षुधावेग को भी धारण करना, भूख लगी है लेकिन खाना ना खाना, वह भी माइग्रेन का एक हेतु रहता है। इसका मतलब यह है कि हेतु सेवन जब किया जाता है तो वातादि दोष जो है वो प्रकुपित हो जाते हैं और दोष जो है वो शिरोगत हो जाते हैं और इससे रक्त दुष्टि होके और फिर उसके बाद में शिरशूल बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इसमें बोलते हैं शिरो रुजति मर्त्यानाम एकादश प्रकाशस्य लक्षणम संप्रवक्षते, 11 टाइप का शिरशूल बताया है अपने आचार्य लोगों ने। मैं इस पे कुछ ही टाइप बताऊंगा आज, क्योंकि टाइम का भी लिमिट है और मुझे बहुत सारी बातें कवर करनी है। आगे के कभी लेक्चर में मैं और भी बातें बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोल रहे हैं कि वाग्भट ने जो वातज टाइप का जो शिरशूल है वह दो टाइप का बताया। एक तो वातज टाइप का ऐसा होता है कि पूरा सर में दर्द होना और एक आधे शरीर में होना, दो टाइप का वाग्भट जी ने बताया है। कुछ लोग हैं वो आधे शरीर में, सिर में जो हो रहा है उसको हरदावा भेदक में इंक्लूड करते हैं, लेकिन सभी आचार्यों का अपना अपना दृष्टिकोण है, सब सच बोलते हैं, बताने का जो कला है वह अलग है। उसी तरह से वातज शिरशूल में एक्यूट कंडीशन में बहुत ज्यादा तीव्र शिरशूल होने लगता है, शूल रात में बहुत ज्यादा हो जाता है, शंख प्रदेश जो है यहाँ पे होने लगता है, तो शंख प्रदेश में होता है तो कुछ आचार्य बोलते हैं कि शंखक रोग है, लेकिन वाग्भट जी ने उसी में इंक्लूड किया है कि शंख प्रदेश टेम्पोरल रीजन में जो सरदर्द होने लगता है, नाड़ियां ऐसे फड़कने लगती है और सरदर्द होने, तो उसको वातज शिरशूल बोलते हैं। और इसमें सुई चुभोने की तरह वेदना होती है या फिर हथौड़े से मार रहे हैं इस तरह से वेदना होने लगती है। मन्या प्रदेश में भेदन जैसी वेदना होती है, गले में पीछे की साइड में मन्या प्रदेश में ऐसे भेद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इस तरह से वेदना होने लगती है। भ्रू प्रदेश में और मस्तक में, आईब्रोज के ऊपर और सिर में कुछ तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से वेदना होती रहती है। और सिर प्रदेश में सिराओं में सूरन होता है, नाड़ियां ऐसे फड़कती हैं अंदर ही अंदर, ब्लड वेसल्स में फड़कन होती है, ऐसा सिर दर्द इतना सीवियर होने लगता है। उसी तरह से हनुस्तंभ या मन्याग्रह, हनुस्तंभ मतलब जो ये सब मैंडिबुलर ज्वाइंट है ये पूरी तरह से अकड़ जाता है और गला जो है वो अकड़ जाता है बहुत ज्यादा, इसमें प्रकाश भी सहन नहीं होता है, फोटोफोबिया होता है, इसमें इतने ज्यादा हेतुओं का सेवन होता है उसकी वजह से, फिर नासास्त्राव भी बहुत ज्यादा होता है, नाक से पानी बहुत ज्यादा आने लगता है, वेदना बहुत ज्यादा होती है या अकस्मात होती है, अचानक ही सरदर्द होने लगता है। तो एलोपैथी में क्या बोलते हैं, डिस्प्रिन लो, डिस्प्रिन का प्रचार कितना आता है टीवी पर, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मतलब वो पेन किलर भी है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसमें फिर चिकित्सा में क्या होता है, आयुर्वेद में ऐसे बोलते हैं कि वायु का प्रकोप है, सीवियर पेन है, पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, इसमें स्नेहन करना बहुत जरूरी है, तो शिरो अभ्यंग करा दें, पूरा पादाभ्यंग करा दें, पूरा बॉडी में मसाज करा दें, तेल से मर्दन करना है, फिर सिर में ऐसे बांध देना है, कुछ पट्टी टाइप बांध देना है और स्वेदन करना है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, सर्वांग स्वेदन कर दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और चिकित्सा में इसमें महाबात विध्वंसक रस, सर्पगंधा घनवटी, इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। फिर वरुणादि गणों के द्रव्यों से सिद्ध घृत पान बताया है, नस्य का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है,
जैसे कि शीर बला तेल का नस्य दे दिया या शुद्ध बला तेल का नस्य दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर घृत पान कराना बहुत अच्छा रहता है, अभ्यंग कराना बहुत अच्छा रहता है, नस्य देना बहुत अच्छा रहता है। बस्ती दे दिया अगर उसमें वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा है, वेगों का धारण कर लिया है, मल मूत्र नहीं निकल पा रहे और उसके वजह से अवस्टम्भ होने की वजह से मूत्र संग मल संग होने की वजह से शिराशूल हो रहे, तो उसमें आप निरु बस्ती दे दीजिए, वैतरण बस्ती दे दीजिए या फिर आप तेल का बस्ती दे दीजिए। जैसा कंडीशन रहता है वैसा बस्ती देने से ये माइग्रेन का तकलीफ कम हो जाता है। इसी तरह से तेल का परिषेक कर दिया, तेल का अभ्यंग कर दिया, पूरा शरीर में ये संवाहन कर दिया, इससे तुरंत ही उपशम मिल जाता है। इसी तरह से मदुरादि द्रव्यों से सिद्ध घृत है, जैसे अश्वगंधा घृत है, विदार्यादि घृत है, शतावरी घृत है, इनका अगर पीने के लिए प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से त्रिवित लेहम दे के वायु का अनुलोमन कर दिया, विरेचन करा दिया, वायु का अनुलोमन कर दिया, या फिर एरंड तेल दे दिया, किसी भी तरह से पेट साफ कर दिया, जो वायु अपान वायु रुका हुआ है उसको, या फिर प्रतिलोमित होकर सिर में चढ़ गया उसको अनुलोमित कर दिया, तो इससे जो शिराशूल है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसमें वायु जो है वो रुक्ष गुण से बढ़ता है, वायु लघु गुण से बढ़ता है, वायु शीत गुण से बढ़ता है, वायु चल गुण से बढ़ता है, इसको हमें कंसिडर करना ही पड़ता है। और यहाँ पर स्नेहन की अपेक्षा रहती है कि स्नेहन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से इसमें कफ का अनुबंध है, तो कफ का अनुबंध के वजह से वायु भी है कफ भी है, तो और उससे नासास्त्राव भी हो रहा है, तो यहाँ पर तेल का अभ्यंग करना तो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। वात शिराशूल में कभी भी रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, अगर वो टिपिकल वात का है तो रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, नहीं तो रक्त मोक्षण से धातु क्षय होके और वायु का प्रकोप होगा। अगर आपको रक्त मोक्षण करना है तो पहले घृत पान कराइए, 100 ml तक गाय का घी खिला के, और नेक्स्ट डे स्नेह पच जाने के बाद नेक्स्ट डे आप रक्त मोक्षण कराइए, लेकिन शुरुआत में बिना रक्त मोक्ष बिना स्नेह पान के कभी भी रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य लोग ने कहा है। और जो लोग इसको मानते हैं पालते हैं वो जरूर ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल होते हैं। इसी तरह से पित्त शिराशूल जो रहता है उसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, और उसके वजह से शिराशूल मेन तो वायु का ही प्रकोप से होता है, लेकिन इसमें पित्त का अनुबंध है तो उसके वजह से पूरा सिर में जलते हुए अंगार जैसा बर्निंग होता है, जलन होती है बहुत ज्यादा, सिर प्रदेश में फिर नासा में अत्यंत दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, नाक में धुआं निकलने जैसा ऐसा प्रतीत होता है, फिर बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तृष्णा रहता है, प्यास लगती है, भ्रम होता है, चक्कर बहुत ज्यादा आता है, सिर पूरी तरह से घूम रहा है, इस तरह की कंडीशन होती है, फिर स्वेदा दिख के पसीना बहुत ज्यादा आता है और सरदर्द भी बहुत ज्यादा होता है, फिर कभी कभी बुखार आ जाता है, ज्वर होता है, मूर्छा होता है, इंसान बेहोश हो जाता है। और शिराशूल जो है रात में कम हो जाता है, लेकिन जब दिन का टाइम होता है 10 से 2 बजे का या रात का 10 का 2 बजे, उस टाइम पे सरदर्द इतना सिवियर होता है, इतना सिवियर होता है कि क्या बताएं, और शीतोपचार से उपशम मिलता है। एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और मैं जहां पर रुका था वहां बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला वाला चीज खिला दिया गया, और रात भर क्या हुआ कि गाना लगा दिया, जो भी हम जीप से जा रहे थे ना वहां गाना लगा दिया, और वो इतना आवाज में गाना लग रहा था ना, उसके वजह से मुझे बर्निंग सेंसेशन के ये सारे सिम्टम आ गए थे। तो जो बताया ना ग्रंथों में वह सब सच बात है, और बहुत ज्यादा आवाज जो रहता है साउंड सुनना, कंटिन्यू आवाज सुनना, वह भी सरदर्द का कारण होता है। एक लिमिट तक इंसान कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता है, अगर लिमिट क्रॉस होती है ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो इस यह भी एक हेतु रहता है। इसी तरह से पित्त शिराशूल जो रहता है पित्त की वजह से हो रहा है, तो उसमें शीतल उपचार करना चाहिए, जैसे कि दूध का सेवन कराएं, गन्ने का रस पिलाएं, उसी तरह से कांजी का सेवन कराएं, तो कांजी से शीत परिषेय कराएं, कांजी उष्ण रहता है उससे शीतल ठंडा कांजी से परिषेय कराने के लिए बोल रहे हैं, या दूध से परिषेय कराएं, गन्ने के रस से परिषेय करा दें, पूरा बॉडी में ऐसे धीरे धीरे वो गिरा दें, परिषेय करा दें, फिर चंदन का प्रयोग करें, कमल का प्रयोग करें, फिर सारिवा का प्रयोग करें, उसी तरह से पद्म काष्ठ का प्रयोग करें, शैवाल जो रहता है जो पानी में रहता है शैवाल उसका सेवन करें, उसकी उससे घृत सिद्ध करके दें, या फिर वंश जो है बांस उसका सेवन करें, उसका सिद्ध घृत दें, उसी तरह से यष्टि मधु सिद्ध घृत का प्रयोग करें, या यष्टि मधु खिलाएं घी के साथ, इसी तरह से मुस्ता का प्रयोग करें, उशीर का प्रयोग करें, आदि द्रव्य शीत विधियात्मक है, पित्त शामक है, उन द्रव्यों का प्रयोग करने से जो पित्त टाइप का जो शिराशूल है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से मधुर आदि द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग करें, क्वाथ का प्रयोग करें, और शीत शीत ठंडा करके काढ़ा को ठंडा करके उसका प्रयोग करें, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, विदारी है,
यह सब क्या है, बला है, यह सब शीत विरेत्मक द्रव्य, अश्वगंधा शीत नहीं, उष्ण है, लेकिन न जो मधुर रसात्मक है, मधुर रसात्मक है, उन सारे द्रव्यों को उबाल के काढ़ा बना के फिर ठंडा करके वो पीने के लिए दें। तो इससे इसी तरह से घृत का नस से भी दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभ्यंतर स्नेह पान के लिए मधुरादि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत का नस्य का प्रयोग करें। उसी तरह से विसर्प रक्तपित्त की चिकित्सा जो है वह भी जो बताइए कि पित्त की चिकित्सा करें, दुर्वा घृत का प्रयोग करें, वासा घृत का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और विसर्प में क्या बोला है, विरेचन कराना चाहिए और इसमें रक्त मोक्षण कराना चाहिए, घृतपान करा के रक्त मोक्षण, जिस तरह से विसर्प की चिकित्सा किया जाता है उसमें विसर्प में त्वचा रक्त मांसलेशिका इसकी दुष्टि होती है, पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित होता है, रक्त की दुष्टि होती है, तो यहाँ पर भी पित्त का प्रकोप है, रक्त की दुष्टि है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पित्त का शमन करने वाले चिकित्सा देना है। इसी तरह से औषधियों में सूत शेखर का प्रयोग करें, काम दुधा रस का प्रयोग करें, काम दुधा, प्रवाल पंचामृत, मौक्तिक भस्म, प्रवाल पिष्टी, चंद्रकला रस, यह सब पित्त शमक करने और बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दवाइयां हैं उनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ शिराशूल, बहुत ज्यादा कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, चिल्ड पानी पिया जा रहा है, उसी तरह से दही का सेवन बहुत ज्यादा किया जा रहा है और बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ का सेवन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाई जा रही है, बासी मिठाई खाई जा रहा है, बासी अन्न का सेवन किया जा रहा है, बैठा रहा जा रहा है, व्यायाम नहीं है, शरीर में थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रहे, तो इसके वजह से कफ शिराशूल हो जाते हैं। इसमें कफ जो है वो सिर में लिप्त रहता है, गुरु रहता है, स्तब्ध रहता है, तो इसमें सुप्ति, तंद्रा, आलस्य, अरोचक, कर्णकंडू, कान में खुजली आती है, उल्टी आती है, जी मिचलाता है, बहुत ज्यादा कफ के सारे सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो इसमें वेदना जो है वो रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन दिन की अपेक्षा कम रहती है, और क्योंकि रात में कफ का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है तो सर दर्द बहुत ज्यादा रात में बढ़ जाता है, स्तब्धता बहुत ज्यादा रहती है, दिन में गर्मी रहती है तो सर दर्द थोड़ा कम रहता है, व्यायाम करने की वजह से या हलचल होने से थोड़ा कम रहता है दिन में, लेकिन रात को सर दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए स्त्रोत्र जो रहता है वह बहुत ज्यादा रात को बढ़ जाता है, इसलिए सर दर्द रात को बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से रात्र में स्वाभाविक शीतता बहुत ज्यादा होती है और रुग्ण जो है वो हलचल कम करता है, इसलिए रात में सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, सिर जड़ पड़ जाता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस, शिरोजाड्यता होती है, शिरोगुरुता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें स्त्रोत्ररोध हो जाता है, स्त्रोत्र अवरुद्ध हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, दोषों का सर्कुलेशन भी नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वेदना बढ़ जाती है रात में, तो इसमें उष्ण चिकित्सा देना पड़ता है। आप गर्म गर्म चाय पिलाइए, गर्म गर्म सूप पिलाइए, उष्ण चिकित्सा करिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें क्या है कि कफग्नि शोधनोपक्रम करना पड़ता है, इसमें शोधन नस्य जैसे कि षड़ बिंदु तेल, वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, सरसों का तेल, ऐसे जो उष्ण विरियात्मक द्रव्य हैं उनसे सिद्ध किया हुआ तेल, या आप स्वरस का नस्य दें, पंचकोल सिद्ध घृत है उसका नस्य दें, तो इसमें शोधन नस्य देना पड़ता है, शोधन होना बहुत जरूरी है, जो कफ, जो फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इसमें जो साइनस में भरा हुआ है कफ वो पूरी तरह से निकल जाए, उसी तरह से वमन कराना चाहिए, गंडूष कराना चाहिए, तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्ध, जैसे पंचकोल से सिद्ध क्वाथ का गंडूष करा दिया या कवल धारण करा दिया, उसी तरह से शोधन कराने के बाद घृत का अच्छा पान कराना चाहिए, शिरो विरेचन के लिए मधु का प्रयोग करें, इंगुदी का प्रयोग करें, मेषश्रृंगी, कटफल आदि का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धूमवर्ती का प्रयोग कराएं तो माइग्रेन का तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें पिंड स्वेद का प्रयोग कराएं, शिग्रू का प्रयोग करें, नीम का प्रयोग करें, एरंड का प्रयोग करें, इसका नाड़ी स्वेद करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है, या परिषेक करें उनके क्वाथ से, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अलग अलग तरह के क्षार का प्रयोग करें, जैसे टंकण क्षार है, फिर यवक क्षार है, सज्जी क्षार है, ये क्षार अपामार्ग क्षार है, क्षार का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। कोष्ठ वनस्पति का प्रयोग करें, करंज का प्रयोग करें, रोहिश घास का प्रयोग करें और सेंधा नमक युक्त लेप का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। शिग्रू का जो लेप है वो सिर पे लगा दें सेंधा नमक के सामने तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हिंगुल और नागगुट्टी इसका प्रयोग करें, त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग अगर करते हैं जो कफ शिरशूल है तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस का बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसी तरह से कस्तूरी के कल्प है उनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह मैंने वातज पित्तज कफज टाइप से मैंने बता दिया। ऐसे यूजुअली हम लोग गोदंती भस्म, शिरशूलादि वज्र रस इसका प्रयोग कराते हैं, पथ्यादि क्वाथ का प्रयोग कराते हैं, वायु का अनुलोमन कराते हैं तो ना सरदर्द काफी हद तक ठीक हो जाता है। मुझे बताना तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है अपने सर के नोट्स, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, लेकिन आप लोग ना, मैं कभी और लेक्चर में लूंगा, अभी टाइम की कमी है,
अगर बहुत ज्यादा तीव्र शिरस्त्राण हो रहा है और जिस तरह से सरदर्द हो रहा है उसके साइड विरुद्ध, जो जैसे मेरा राइट राइट साइड में बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है, तो विरुद्ध दिशा में लेफ्ट साइड में अदरक स्वरस का नस्य देना चाहिए। इससे तुरंत ही फायदा हो जाता है। और जब अदरक स्वरस का नस्य दे दिया लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड दर्द हो रहा है, और उसके बाद में वहां पे नारियल का तेल डाल दिया 5 मिनट के बाद, तो तुरंत ही फायदा हो जाता है, ऐसा हमारे सर ने बताया है। महावाद विध्वंसक रस और दशमुला ऋष, महावाद विध्वंसक तो दो दो गोली सुबह शाम, दशमुला ऋष 50 ml सुबह शाम अगर दे दे, 50 50 ml, तो जो तीव्र शिरस्त्राण है वह कम हो जाता है। अब आगे और भी भेद है, जैसे कृमि शिरस्त्राण होता है, रक्त शिरस्त्राण होता है, क्षयज होता है, अर्धावभेदक होता है, फिर अनंतवात होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप है, 11 टाइप टोटल बताए, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। मैं अभी थोड़ा थोड़ा अभी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर दिन भर मंद मंद शिरस्त्राण हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मंद मंद ऐसा हेडेक हो रहा है, तो अदरक और गोदंती भस्म दोनों के एक एक चुटकी लेना है, और मधु के साथ शहद के साथ मुहर मुंह थोड़ा थोड़ा चाटन करना है, इससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है, मंद मंद वेदना जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से मंद शिरस्त्राण है और ठंडी भी लग रही है बहुत ज्यादा, तो क्या करना है, स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करें तो यह शिरस्त्राण में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। बहुत सारे जो बच्चियां होती हैं या माताएं बहनें रहती हैं जिनको मेंसेस आने के पहले हेडेक होने लगता है, और आप लोग के पास भी पेशेंट 100% आते हैं कि पीरियड्स आने के पहले हेडेक शुरू हो जाता है, उसमें क्या करना है, तो शिलाजीत को दूध के साथ खाने के पहले दे दीजिए। शिलाजीत की गोलियां आती है, कैप्सूल आता है, बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, शिलाजीत को दूध के साथ खाने के पहले देना है, और सुशेखर रस एक एक गोली सुबह शाम दीजिए। इससे पीरियड्स में पीरियड्स आने के पहले जो हेडेक शुरू हो जाता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और यह आनुभविक योग है, इसका 100% फायदा होगा अगर आप लोग विश्वास करेंगे तो। इसी तरह से सिर में जड़ता बहुत हो रही है, किसी भी कारण से कफ का प्रकोप हो गया, या ठंडा एसी लगे, ठंडा पानी पी लिया है, और सर में जड़ता होके सर दर्द हो रहा है, तो श्वासकुठार रस को गर्म पानी के अनुपान के साथ अगर पी लिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, या उसको ना पीस के और चाटन किया मधु के साथ, फिर गर्म पानी पी लिया, तो इससे जो बहुत ज्यादा शिरोजाड्यता शिरोगुरुता है वह कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी ने मल वेग का विरोध किया, मल को भी रोक दिया, अपान वेग को भी रोक दिया, और बहुत जोर से आइए पॉटी को आ रहा है लेकिन वो जा नहीं रहे, कोई ना कोई ऐसे मजबूरी होती है, कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, कहीं वॉशरूम नहीं मिलता है, किसी ना किसी तरह से, कोई जानबूझ के नहीं करता है लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जा रही है कि मल का अवरोध करें, या लज्जा है, किसी किसी को शर्माना है, कोई कॉन्फ्रेंस में है और वहां उठ के जाने चलते हैं, मल का वेग बहुत जोर से है, और वो मल का वेग रोक दिया तो वह प्रतुल में तो क्या हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आरोग्य वर्धिनी वटी को भृंगराज के काढ़ा के साथ अगर दे दिया जाए, भृंगराज स्वरस के साथ आरोग्य वर्धिनी वटी को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, और रात में 2 चम्मच मुरब्बा दे दिया जाए, आंवला का मुरब्बा दे दिया जाए, तो यह बहुत ही अच्छा फायदा करता है, और रात को सोते टाइम कुछ अनुलोमन करने वाले द्रव्य दे, जैसे एरंड तेल 4 चम्मच शुंठी के साथ दे दे, या फिर त्रिवितलहम दे दीजिए, या अभ्यादि मोदक दे दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे अनुलोमन करने वाले द्रव्य दीजिए, तो यह तुरंत ही जो मल वेग धारण करने की वजह से जो सरदर्द हो रहा है वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से सुतिका अवस्था में आफ्टर डिलीवरी जो शिरस्त्राण हो रहा है, तो उसमें यह महाराष्ट्र में बाड़न काढ़ा मिलता है, हर 10 10 दिन पे कुछ बाड़न काढ़ा मिलता है जो सुतिका अवस्था में ही पीने के लिए बनाया गया है, उसको 2 2 चम्मच सुबह शाम देना है, और नींबू का रस, सॉरी नीम का रस, जो नीम के पत्तों का स्वरस है, वो 2 2 चम्मच सुबह शाम दे दें तो सुतिका में शिरस्त्राण कभी भी नहीं आएगा, अगर आप लोगों ने ये दिया तो। बाड़न काढ़ा जो रहता है वो सुतिका अवस्था के लिए सांडू कंपनी भी बनाता है, बाड़न काढ़ा नंबर 1, बाड़न काढ़ा नंबर 2, बाड़न काढ़ा नंबर 3, तो उसका प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से प्रताप लंकेश्वर रस अगर ले लिया जाए 2 2 गोली सुबह शाम, और दशमूल क्वाथ बना के उसमें पिपली का प्रक्षेप डाल के प्रताप लंकेश्वर रस के साथ दशमूल क्वाथ जिसमें पिपली का प्रक्षेप है उसका सेवन कराया जाए, तो सुतिका अवस्था में जो शिरोशूल होने का कंडीशन है वह बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी तरह से सुशेखर रस को भृंगराज स्वरस या भृंगराज के काढ़ा के साथ अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल भी सर दर्द का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसी तरह से किसी को अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है और सरदर्द की बीमारी है, हाइपर एसिडिटी होकर सरदर्द होता है और वो लोग एंटासिड खा रहे हैं, जेलुसिल खा रहे हैं, फिर डॉमपेरिडोन, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर के जितने भी दवाइयाँ हैं, रैनिटिडिन, रैनटेक, फिर ये सब जो खा रहे हैं ना, वो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ आपको ज़्यादा मालूम होगा, पेंटाप्रेजोल वगैरह जो खाया जाता है, या कोई भी पेन किलर के सामने डॉक्टर जरूर देते हैं कि पित्त ना बढ़े,
टीबी की दवाई देते हैं तो उसके साथ में भी रैनिटिडिन वगैरह तो दे ही देते हैं, या पेन किलर देते हैं, वोवेरॉन ब्रूफेन वगैरह उसके साथ भी दे ही देते हैं। तो उसके वजह से अम्ल पित्त होता है, अम्ल पित्तों के सर दर्द होता है। तो उसमें क्या करना है कि कटु परवल जो रहता है, जो कड़वा वाला परवल रहता है, उसका क्वाथ पिला के उल्टी करा दे, उल्टी से सद्य वमन कराए या क्लासिकल वमन कराए। उसी तरह से गुड़ुची सिद्ध शीर बस्ती का प्रयोग करें तो अम्ल पित्त जन्य जो शिरा शूल है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से जो भूख ना लगने पर भी जो लोग खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना सर दर्द होता है, अजीर्ण में अजीर्णासन जो बोलते हैं कि टाइम हो गया इसलिए हम लोगों को खाना खाने, उनको हेडेक का तकलीफ बहुत ज्यादा रहता है। तो उसमें महायुगराज गुगुल को दो दो गोली सुबह शाम देना है, और उनका संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, उनका सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है कि भूख लगने पर ही खाना खाना है, टाइम हो गया इसलिए खाना ना खाए। कोई फिर वो लोग बोलते हैं हम कमजोर हो जाएंगे, हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, वो सब नाटक नहीं सुनना है, उनका बहाना नहीं सुनना है। उनको बोलिए कि जब अग्नि प्रदीप्त हो, वो बोलते हैं हमको वीकनेस आ रही, वीकनेस नहीं आती है, मानसिक वीकनेस आती है, और उन लोगों का बहाना होता है। उनको बोलिए कि जब भूख लगे तब खाएं, और उस टाइम भूख लग रही है ना, टेम्पटेशन हो रहा है, क्रेविंग हो रहा है, तो वो सूप पिए, जूस पिए, जूस भी ठंडा नहीं पीना है, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं। तो वो कुछ करके अग्नि तो प्रदीप्त करें, अग्नि प्रदीप्त, और थोड़ा लंघन कराना बहुत जरूरी होता है। तो उससे ना जो ये प्रॉब्लम है अजीर्णासन, उसकी वजह से जो सर दर्द हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से अर्धावभेदक होता है, जो आधा सर दर्द होता है, माइग्रेन का ही एक टाइप बताए अर्धावभेदक, आधा सर दर्द होता है, तो उसमें कोष्ठ साफ रहना बहुत जरूरी है, आहार नियमित होना बहुत जरूरी है। तो कोष्ठ साफ के लिए मृदु अनुलोमन देना है, आहार जो है नियमित करना पड़ता है, जब भूख लगे तब सम्यक रूप से खाना खाएं। स्वर्ण सूर्य शेखर को अदरक सोरस और मधु के साथ सेवन करें, भूखे पेट अगर सेवन करें स्वर्ण सूर्य शेखर रस, एक एक गोली सुबह मधु और अदरक के साथ, शहद के साथ, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से शिरोबस्ती का प्रयोग करें तो बला तेल का प्रयोग करें। अगर कफ का अनुबंध है, कफ भी है वात भी है, तो वचा तेल का नस से दें, वचा तेल से शिरोभ्यंग करें, वचा तेल से शिरोबस्ती करें, बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से कृमि शिरोशूल है, नाक में कृमि है और वैसा शिरोशूल के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो रक्त का जो नस्य होता है, किसी भी बकरा वगैरह का जो रक्त लेके आए और उसका दो दो ड्रॉप नस्य डाल दें, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और उससे क्या होता है कि कीड़े जो रहते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद में तीक्ष्ण नस्य देना पड़ता है, जैसे कि आप लोग पंचकोल तेल से, या करंज तेल से, या विडंग तेल से तीक्ष्ण नस्य दें, जो कृमि कृमि है बचा तेल उसका नस्य दें, सरसों का तेल वो कृमिघ्न है, तो इनसे ना तीक्ष्ण नस्य देना पड़ता है। पहले ब्लड डालना है, कीड़े जो है अंदर अंदर जो चिपके वो बाहर आते हैं, और फिर तीक्ष्ण नस्य डाल के उनको निकाल देना है। इस तरह से शुद्ध गंधक जो है 500 mg सुबह शाम देना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। महामायूरी घृत, मोर के मांस से, आजकल तो मोर मारना गुनाह है, लेकिन महामायूरी घृत दुबई से वगैरह से एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, मोर का मांस को पका के और बाहर दूसरे कंट्री से मंगा के, और फिर आप लोग करके दे सकते हैं। उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, यह योनि रोग को भी ठीक करता है, शुक्र रोग को ठीक करता है, शिरो रोग संबंधित सारी व्याधियों में महामायूरी घृत का बहुत प्रयोग अच्छा रहता है। इसी तरह से महामायूरी घृत है अर्धावभेदक में सूर्यावर्त में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। अगर बहुत ज्यादा किसी को ना सर्दी जुकाम होके सर दर्द हो रहा है, तो इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस अदरक और मधु के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर अगर पित्तश टाइप है तो त्रिभुवन कीर्ति रस को अनार के रस के साथ दे, या आंवला के मुरब्बा के साथ दे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शुद्धशेखर रस जो है वात पित्तात्मक संप्राप्ति है, तो उसमें दाड़िम रस के साथ दे। और अगर सर दर्द हो ही रहे और आपके पास ये शुद्धशेखर रस दे रहे तब भी हो रहे हैं, तो इसमें बादाम तेल, रोगम बादाम तेल है, उसका नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा आप लोग करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। मुझे और भी बताना है लेकिन अभी टाइम की कमी है, सब कुछ को मैनेज करके चलना पड़ता है, पेशेंट प्रैक्टिस और आप लोगों को भी सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अभी मैं रुकता हूँ, मैं कभी और कोई और लेक्चर में माइग्रेन के और बहुत सारे योग आप लोग को बताऊंगा। आप सबके साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग जरूर अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहते हैं, बहुत सारा चीज सुनते रहते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को श्रेष्ठ चिकित्सक बोलता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सम्माननीय चिकित्सक हैं, और भारत देश के पूरी दुनिया में आप लोगों का नाम होने वाला है। आप लोग बस अच्छा मेहनत से काम करते रहिए, भगवान आपके साथ में है, धन्वंतरि भवन का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर नमस्ते प्रणाम सर, डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते मैम, डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको,
डॉक्टर सरोज मिश्रा जी प्रणाम आपको, डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सबके सब कमेंट यहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ऋतुश्री मैम नमस्ते प्रणाम आपको, सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रूपाली शर्मा जी आप लोग ये भी लिखिए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं, और आप लोगों को कोई भी डाउट है मेरे पढ़ाने में तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसमें और ऐड करके इम्प्रूव करके और अच्छे से बताऊंगा, सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। डॉक्टर संजय तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर और ना पित्त का कभी कभी सर दर्द होता है ना, तो हम लोग कामधुधा रस प्रवाल पंचामृत ये देते हैं ना, तुरंत सर दर्द, शंख भस्म प्रवाल पिष्टी, ऐसे जो सुधा कल्प है उनको गुलकंद के साथ दे दीजिए या आंवला के मुरब्बा के साथ दे दीजिए, सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ना ट्रैवलिंग करने से बहुत ज्यादा सर दर्द होता है अधोगमन की वजह से, वो तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने से जो सर दर्द हो रहा है उसमें आप नस से दे दीजिए, शिरोभयंग कोई भी तेल से सिर में मालिश कर दीजिए, सर दर्द ठीक हो जाए। नींद लेना बहुत जरूरी होता है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जय जगजीत मोघा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब जो लोग आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। शक्ति जी बोल रहे हैं कल माइग्रेन में, कई माइग्रेन के पेशेंट में एंग्जाइटी देखा जाता है, इन पेशेंट में क्या देना चाहिए? तो इसके लिए एंग्जाइटी काम शोक भयाद वायु, भय से जो व्याकुलता रहती है तो वायु का प्रकोप है, एंग्जाइटी को कम करने के लिए आपको मानस मित्र गुट्टी का, ब्राह्मी गुट्टी, ब्राह्मी प्राश, नस्य का प्रयोग, शीरबला तेल, शिरोधारा, वायु का शमन करने वाली जो भी चिकित्सा है, अभ्यंग कराना, अनुलोमन कराना, पेट साफ कराना, और मन को बलवान करने वाली चिकित्सा आश्वासन चिकित्सा, मन को बलवान करने के लिए आप मानस मित्र गुटी का स्वर्ण सारस्वत अरिष्ट सारस्वत घृत इसका प्रयोग करिए, मन स्ट्रांग हो गया, पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सतीश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी का क्या हेतु है, क्यों हो रहा है एंग्जाइटी, उसको निकालना जरूरी है तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है पूरी तरह से। सविता जी बोल रहे हैं माइग्रेन ड्यू टू इंक्रीज आईओपी में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम रहेगा, गोक्षादी गूगल ऐड कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, अगर इसमें आईओपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसमें हमें क्या करना है, अम्बु शोषण करना है, मूत्रल द्रव्य दवाइयाँ दीजिए और नस्य दीजिए, नस्य देने से आईओपी जो है इंट्राओकुलर प्रेशर है वो कम हो जाता है, नस्य का इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रतिमर्श रोज करिए, तो ये आईओपी होगा ही नहीं, इसको ध्यान में रखिए। हमें ना ऐसी चिकित्सा करनी है जो बेसिक ऑफ आयुर्वेदा उसको फॉलो करते हुए रहे, नस्य का, शिरोभयंग, शिरोधारा, इन सबसे आईओपी पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। गोक्षुरादि गुगुल है, वरुणादि क्वाथ है, फिर चंद्र प्रभावटी है, तो ये सबसे बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर पथ्यादि क्वाथ क्या कौन कौन से शिरशूल में देना चाहिए, हर तरह के शिरशूल में देना चाहिए, पथ्या मतलब हरित की, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा है, वायु का अनुलोमन करता है, पथ्यादि क्वाथ, फिर गोदंती भस्म है, बहुत अच्छा काम करता है, शिरशूलादि वज्र रस बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, अभ्रक भस्म का और रौप्य भस्म का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्षयज अगर संप्राप्ति है तो, बाकी जो है वो मैं बाद में करूंगा क्योंकि अभी टाइम कम है। डॉक्टर सुधीर साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर खुशबू मैम नमस्ते प्रणाम आपको, आप आयुष दर्पण की खुशबू हैं, जहां भी जाती हैं खुशबू ही फैला देती हैं, इतनी अच्छी डॉक्टर हैं आप। डॉक्टर सुधीर साहू जी बोल रहे हैं अपामार शार किस शिरशूल में देना चाहिए, जहां पे शिरशूल सॉरी शिरो विरेचन करना है, अपामार तंडुलि अध्याय में बोला है ना कि जहां पे शिरो विरेचन कराना है, कफ कफ का जहां पे अनुबंध रहता है, फ्रंटल साइनस या फिर इथमर साइनस या फिर मैक्सिलरी साइनस में कफ बहुत ज्यादा जमा है, वहां पे क्षार का प्रयोग करना है। पित्त वाले में अगर आप क्षार का प्रयोग करेंगे तो और पित्त का प्रकोप होगा, वहां पे नहीं है, वात वाले में भी नहीं करना, कफ संप्राप्ति है वहां पे क्षार का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर प्रदीप यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी ये बोल रहे हैं चरण स्पर्श गुरु जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका बहुत आगे उन्नति हो ऐसी शुभकामनाएं। डॉक्टर अपर्णा जी प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपाली शर्मा जी बोल रही हैं कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत हेल्प मिलता है, थैंक यू आपका। आप अगर जुड़ना चाहते हैं आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप से, और आप जूम के आईडी अगर चाहते हैं, डेली का डेली बदलता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको और ज्ञान मिलेगा। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको,
डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी बोल रहे हैं, लिंक सेंड कीजिए। मैं अपना नंबर सेंड करता हूँ, फिर आप ना मेरे को मैसेज करें, मैं आपको लिंक दूंगा, उससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। डॉक्टर शैलजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अपर्णा जी बोल रहे हैं माइग्रेन ड्यू टू ब्लॉक साइनसेस। मैं वही बता रहा हूँ, ब्लॉक साइनसेस है ना तो वहाँ पे कफ जमा है, स्त्यान कफ, लीन कफ बहुत ज़्यादा यहाँ जाके जमा हो गया। ठंडा पानी पी लिया या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, दही बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा, और दिन में सो जाए ना तो ब्लॉक साइनसेस हो जाता है। जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं बहुत ज़्यादा पानी पियो, 5-5, 10-10 लीटर पानी पियो, तो उससे ना ब्लॉक साइनसेस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है अत्यंबू पान से। तो इसमें हमें तीक्ष्ण नस्य देना पड़ता है, और वही कफ की चिकित्सा करना है। कफोच्छितशूल, क्षार का सेवन कराइए, उष्ण पदार्थों का सेवन कराइए, पंचकोल का सेवन कराइए, त्रिकट्टू का सेवन कराइए, मतलब कफ की त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कैलाश जी बोल रहे हैं माई व्हाट्सअप नंबर, मैं आपको नहीं कॉल करूंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सअप पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मेरे पेशेंट भी बैठे हैं और अभी लेक्चर भी शुरू होगा, आप मुझे मैसेज करिए। आपको अगर जो प्यासा, क्यों प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़ी ना जाता है, आपको जरूरत है आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी ना मैसेज करूंगा, आप मुझे मैसेज करिए। आपको जरूरत है, मेरे पास PhD की डिग्री है, मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अगर जुड़ना है तो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देता हूँ। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। कल फिर से कोई और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, कल 7 बजे फिर से लेक्चर होगा। और ये शिरःशूल जो है, ये मैंने अभी केवल 5% ही पढ़ा है, मेरे पास इसका बहुत सारा लिटरेचर बाकी है, मैं आप लोगों को बाकी कभी लेक्चर में फिर पढ़ाऊंगा। तो अभी का मुझे इजाजत दीजिए, प्रणाम सभी लोगों को, 8:15 हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम।